पाकिस्तान के लिए आज का दिन बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके दो रीजन हैं। पहला तो ये कि आज नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए लोकसभा की 342 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और दूसरा ये कि इस चुनाव से कुछ ही दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ को गिरफ्तार कर चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। चुनाव से पहले इस तरह की चीजें किसी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान की अन्य पार्टियों का पाक सेना पर इमरान खान को जिताने का आरोप लगाना है। इसे साजिश इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि हमेशा से ही पाकिस्तान में ये माना जाता रहा है कि पाक सेना जिसे भी सपोर्ट कर देती है, चुनावों में जीत उसी की सुनिश्चित होती है। जहां एक तरफ पार्टियां पाक सेना पर आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ इस चुनाव में सीटों का गणित कुछ अलग ही नजर आ रहा है। पाकिस्तान में 342 लोकसभा सीटों में जिस पार्टी को पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, वही पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है। इसकी वजह पंजाब का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत होना है। साथ ही संसद की कुल 272 सीटों में से 147 सीटें पंजाब में हैं, जबकि 60 सीटों को महिलाओं और 10 सीटों को अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। पंजाब को PMLN का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार पार्टी के कई सदस्यों के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा 61 सीटें सिंध प्रांत, 35 सीटें खैबर पख्तूनवा, 14 सीटें बलूचिस्तान, 3 सीटें इस्लामाबाद, संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों में 12 सीटें और 70 आरक्षित सीटें हैं। इस चुनाव में नवाज शरीफ की अनुपस्थिति के कारण उनकी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ जहां सेना खुलकर इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, तो वहीं इमरान खान भी सेना को अपना खुला समर्थन देते हैं। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद की मिल्ली मुस्लिम लीग का पंजीकरण न होने की वजह से अब वो अल्लाह अकबर तहरीक पार्टी के बैनर तले अपने उम्मीदवार उतार रहा है, जिसमें हाफिज सईद का बेटा और दामाद चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में जीत किसकी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, अगर इस चुनाव में हाफिज सईद की जीत होती है तो पाकिस्तान का भाग्य क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। GSN News के लिए मीनाक्षी की रिपोर्ट।